जीत के लिए सिर्फ 3 रन चाहिए। एक बॉल 3 रन। स्टेडियम में दर्शकों का उत्साह देखते ही बनता है और पवेलियन छोर से बॉलर तैयार। और ये आखिरी बॉल और बैट्समैन ने लेग साइड में फ्लिक कर दिया है, मिस फील्ड। पहला रन बहुत ही तेजी के साथ, दूसरा रन और फील्डर की थ्रो और ये आउट। इंग्लैंड ये मैच जीत गया। भारत की हार, एक बार फिर जीते हुए मैच में हार। केशव, क्या हाँ, मेरी वाइफ के बहुत सारे मिस्ड कॉल्स और मैसेजेस हैं और अभी फोन नहीं उठा रही। आई होप के हो सकता है वो बिजी हो। मैं चलता हूँ, बाय। ओके, टेक केयर। ये कहाँ से ले रहे हो तुम? साहब, आगे से रास्ता खुदा हुआ है। हेलो अदिति, कहाँ हो तुम? अरे घर पर कोई क्यों नहीं है? तुम्हारी मम्मा भी फोन नहीं उठा रही हैं। अच्छा ठीक है, मैं घर पहुंच के फोन करता हूँ। जानवी, 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 और कोई नहीं था? नॉर्मली घर में नौकर होते, आज तो मेरी बेटी भी पनवेल में थी, फार्म हाउस पर। ये चूड़ियां आपकी बीवी की नहीं है? ये देख रहे हैं, ये अंगूठी का बॉक्स हमें टेबल पे मिला है। बता सकते हैं किसका है? सोनिका मल्होत्रा। वो सुपर मॉडल? जी, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। भारत के पूर्व क्रिकेट कैप्टन और करंट मैच के कमेंटेटर केशव बलहारा की पत्नी जानवी बलहारा का अपने ही घर में बहुत ही बेरहमी से खून किया गया, जिसके लिए पुलिस ने दोषी माना है फेल मॉडल कम स्टारलेट सोनिका मल्होत्रा को। और आज हमारे स्टूडियो में इस मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए मशहूर डायरेक्टर विश्वास रंजन, डॉक्टर पारे और सोनिका मल्होत्रा की बहुत ही अच्छी दोस्त सुहासी। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे मशहूर डायरेक्टर विश्वास रंजन से, जिनका सोनिका मल्होत्रा के साथ बहुत ही गहरा संबंध था। बकवास, अरे वो एक साइको औरत है, उसकी वजह से मेरी शादी टूटते टूटते बची है। मुझ पर ऑब्सेस किया करती थी वो। ऑब्सेशन तो समझ आता है, लेकिन मर्डर? डॉक्टर पारे, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? I'm not surprised. सोनिका मल्होत्रा के सिम्टम्स एक्सट्रीम सिज़ोफ्रेनिया के थे, जहां वो किसी भी चीज को या किसी भी आदमी को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। सुहासी, आप तो सोनिका मल्होत्रा की बहुत अच्छी दोस्त हैं, तो आप बताइए केशव और सोनिका के बीच में क्या रिश्ता था? वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन केशव और सोनिका का गहरा अफेयर चल रहा था पिछले 2 सालों से, और केशव अपनी पत्नी जानवी को छोड़ना नहीं चाहता था और सोनिका उस पर शादी के लिए दबाव डाल रही थी। तो इससे ये साफ जाहिर है कि गर्लफ्रेंड सोनिका ने केशव को पाने के लिए उसकी बीवी जानवी को अपने रास्ते से हटा दिया और अब खुद फरार है। वाह, ये तो एक बॉलीवुड पॉट बॉयलर कहानी से कुछ कम नहीं है।
अद्भुत बात है। सिट सिट। केस अभी शुरू हुआ नहीं, मीडिया के जजेस ने निर्णय देना भी शुरू कर दिया। इट्स टोटली रिडिकुलस। फैसला सुनाना कौन सा मुश्किल है सर? मेरे एक दोस्त ने सोनिका के साथ एड शूट किया था। बिल्कुल ही पागल औरत है, दो बार उसने अपनी कलाई काटी। जो इंसान अपना ऐसा हाल कर सकता है वो सामने वाले का क्या करेगा? सर, आई थिंक सोनिका इज 100% गिल्टी। यू थिंक सो? यस। अक्सर जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। इसीलिए कहता हूं कि निर्णय पर पहुंचने से पहले हर पहलू को टटोल लेना चाहिए। तुम्हारे आज की सीख, योर फर्स्ट लेसन। लेकिन सर, सोनिका मल्होत्रा फरार है। अगर वो इनोसेंट होती तो सबके सामने आ जाती ना, ऐसे छुप कर नहीं बैठती। तो आपने केशव बलसारा की पत्नी जानवी की हत्या नहीं की? ऑफ कोर्स नॉट। मैं स्मोक हियर। आई एम सॉरी, अवैध भी है, इट्स इलीगल और सेहत के लिए हानिकारक भी। ओके। देखिए, उस रात मैं केशव के घर गई थी, लेकिन नहीं, जस्ट अ सेकंड। ये बातें आप मुझे क्यों बता रही हैं? अधीरा, आई थिंक यू शुड कॉल द पुलिस। यस। डेयर कॉल द पुलिस। पहले आप मेरा केस लीजिए। मैं समझा नहीं, अगर आपने हत्या नहीं की तो फिर भय का कारण, यू शुडंट बी अफ्रेड। पुलिस इमरजेंसी, मैं सोनिका मल्होत्रा बोल रही हूँ। मिस्टर पाठक, तसल्ली मिल गई आपको? सो ब्लडी हॉट हियर। अब तो आप लेंगे ना मेरा केस? मैं आपका केस ले रहा हूँ या नहीं, ये तो आपका पक्ष सुनने के बाद ही तय करूँगा। चलिए बताइए, क्या हुआ था उस रात? सोनिका जब करती है तो डरती नहीं। 1.5 साल से केशव एंड आई वाज सीइंग ईच अदर, और एक दिन पहले उसकी बेवकूफ वाइफ को हमारे बारे में पता चल गया, और तब उसने मुझे फोन पर SMS किया कि आज आकर मिलो। कितने बजे? 9 बजे। घर पर पहुंची, दरवाजा खुला था। जानवी, कहाँ हो तुम? क्या गाली भरे SMS भेज रही थी मेरे को? मैं जा रही हूँ केशव की जिंदगी से बाहर। रख ले उसे अपने पास, जितना भोला दिखता है ना, है नहीं वो। रख उसे। भाग गई। मेरी जगह कोई और होता तो यही करता। ये आपकी जगह कोई और होता तो संभवतः पुलिस को फोन करता, ताकि पुलिस मुझे पकड़ ले। मिस्टर पाठक, आप मेरे बारे में जानते क्या हैं? Do you know my history? I'm a failed actress, out of work model, जो मीडिया के मुताबिक हर 3 महीने शिकार ढूंढती है। अमीर शादीशुदा मर्द जिनके साथ अफेयर करके उनका घर तोड़ती हूँ, और ये सब मैं क्यों करती हूँ? आप जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं पागल हूँ, दिमागी मरीज हूँ मैं। ये आपकी राय है सोनिका जी, और राय तो कोई भी दे सकता है। राय रखने का अधिकार सबको है, लेकिन न्याय देने का अधिकार सिर्फ अदालत को। केडी पाठक, इस केस में आपका वकील। मेरा यकीन करते हैं क्यों? अब कुछ बातें अदालत में ही हों तो अच्छा है। See you in court. सर, केस ले लिया।
वो औरत फ्रॉड है सर। आई मीन आज की न्यूज़पेपर्स में आया है कि उसने कानपुर में किसी फिल्म प्रोड्यूसर से 20 लाख रुपए लिए थे एज अ साइनिंग अमाउंट फॉर अ फिल्म एंड देन शी बैकड आउट एंड सर इवन दिल्ली में उस पे दो फॉर्जरी केसेस हैं। अदिरा आई नो देख ये जो तुम कह रही हो ये चीटिंग के केसेस हैं। हो सकता है उसने छोटी मोटी चीटिंग की। हम हत्या का केस लड़ रहे हैं तो ये भी तो हो सकता है कि हत्या उसने नहीं की हो पर मेरे होते हुए किसी निर्दोष को सजा मिले। You know what I'm saying? देख लेते हैं। And I promise you, अगर केस लड़ते समय मुझे लगा कि वो झूठ बोली है मुझसे या थोड़ी सी भी शंका हुई कि हत्या उसने की है तो मैं केस छोड़ दूंगा। Let's get on with this case, Adira. जी हाँ ये सच है। सोनिका मुझे बार बार जानवी से अलग होने के लिए कहती थी लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पा रहा था। सोनिका जी ने फ्रस्ट्रेशन में आकर मामला अपने हाथ में ले लिया और आपकी वाइफ को रास्ते से हटा दिया। जानवी ने धमकी दी थी कि अब या तो सोनिका रहेगी या वो। I'm sorry जानवी, मेरी वजह से तुम्हारे साथ। सुना आपने सर, या तो सोनिका रहेगी या तो मैं। Silence in the court. Your Honor, ये मिसेस जानवी के फोन की चैट रिकॉर्ड है जो उस दिन शाम के 6 और 7 बजे तक दो औरतें एक मर्द के लिए लड़ रही थी, एक दूसरे को धमका रही थी। उसमें से एक है कि चुप हो जाओ नहीं तो मैं वहां आकर तुम्हारी जान ले लूं। Your Honor. ये आप ही ने लिखा है ना मिस्टर पाठक? जी योर ऑनर। हैव यू सीन दिस? यस योर ऑनर। तो आपने बाकी एविडेंसेस भी देखे होंगे मिस्टर पाठक, जैसे ये चूड़ियों के टुकड़े जो हमें क्राइम सीन के यहां पाए गए, सोनिका जी का सैंडल जिसके फुटप्रिंट्स हमें क्राइम सीन के यहां मिले, और ये महंगी हीरे की अंगूठी जो मिस्टर केशव ने सोनिका जी को दी, ये सब आपने देखा ही होगा। जी देखा। फिर भी आप कह रहे हैं कि आपके क्लाइंट ने खून नहीं किया। जी सर बिल्कुल उचित कहा आपने, लेकिन एक अच्छा वकील अपनी आंखों के साथ साथ अपने दिल और दिमाग से भी देखता है। आप बिल्कुल आंखें दिल दिमाग तीनों से देख ली। अच्छा गुड। तो ये तीनों शक्तियां टटोल के बताइए कि ये जो अंगूठी है ये मेरी मौत की घटनास्थल पर क्यों लेकर गई होगी? उन्हें जलाने के लिए। जलाने के लिए अंगूठी लेकर गई होगी डिब्बे में डालकर, साथ में अंगूठी की रसीद भी। योर ऑनर। हाँ उसे वापस देने के लिए गई होगी। वापस देने के लिए, करेक्ट योर ऑनर। और यही बात मैं अदालत से कहना चाह रहा था कि सोनिका जी केशव जी के साथ अपना रिश्ता खत्म करने गई, ना कि जानवी को खत्म। सोचने वाली बात है यार, जो व्यक्ति खाई से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा हो वो व्यक्ति उसी खाई को गहरा क्यों खोदेगा? योर ऑनर इसी बात ने मुझे एहसास दिलाया है कि सोनिका जी निर्दोष है। तो आपका कहना है कि आपकी क्लाइंट वहां मारने के इरादे से नहीं गई थी, तो इस चाकू पर उनके फिंगरप्रिंट्स कैसे? ये चाकू मैंने छुआ तक नहीं। छुआ है तुम? योर ऑनर ये चाकू जो घटनास्थल से बरामद हुआ वहां से प्राप्त किया जिससे हत्या की गई वो इस चाकू के सेट का हिस्सा है जो मेरी मोक्किल के रसोई घर में था, जिसका अर्थ यह होता है कि ये सारे चाकू इन्हीं के हैं, तो स्पष्ट है कि इनकी उंगलियों के निशान चाकू पे पाए गए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपने तो हमारा केस और भी आसान कर दिया। आपने कहा कि ये
ये चाकू भी इन्हीं का है और उस पर फिंगरप्रिंट्स भी इन्हीं के। अब तो ये केस सॉल्व भी हो गया। प्रोसिक्यूटर साहब, अब आप पहले पहले सोचिए, फिर समझिए, फिर बोलिए। चाकू इनके रसोई घर में था, इन पे इनके फिंगरप्रिंट्स हैं, और ये चाकू वहाँ घटनास्थल पर पाया गया। कौन सा मुजरिम ऐसा करेगा? तो मैं ये कहना चाह रहा था कि योर ऑनर, ये जो चाकू है इनके रसोई घर में था, इस सेट में किसी ने इसे चुराया, जिससे केशव की पत्नी की हत्या हुई, और ये चाकू वहाँ रोपित किया गया था और इन्हें फंसाया गया है। तो आपका कहना है कि वहाँ कोई तीसरा भी था, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, तीसरा था नहीं, मतलब वो आता जाता था। मैं समझाता हूँ मेरे अगले गवाह के द्वारा। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो मैं केशव जी के ड्राइवर, उनके वाहन चालक दिनेश जी को गढ़घर में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। दिनेश जी, वाहन चालक हैं आप केशव जी के? ये जो चल रहा था प्रेम प्राकरण केशव जी और सुनीका जी के बीच, इसकी जानकारी तो रही हो? जी सर, केशव सर को मैडम के घर हम कई बार लेकर गए थे सर। तो कभी कभी आप साहब को सोनिका जी के वहाँ छोड़ने जाते थे उनके घर? तो स्पष्ट है कि साहब का सामान भी, अब बैग इत्यादि अंदर। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने उस किचन से वो चाकू चुराया था, तो सर ये बात सही नहीं है सर। मैंने ऐसा अभी तक नहीं कहा, छोड़िए ना चाकू की बात। ये बताइए कि जिस दिन जानवी जी की हत्या हुई, उस दिन कहाँ थे आप, क्या व्यस्तता थी आपकी? साहब के साथ थे सर, वो स्टेडियम में कमेंट्री कर रहे थे, हम नीचे गाड़ी पर थे सर, गाड़ी के साथ थे पूरे 6 घंटे। ये जो गाड़ी है केशव जी की, इनकी कंपनी? जी, कंपनी की कार है सर। हाँ, तो घर से वहाँ तक, स्टेडियम तक कितने किलोमीटर हैं? 6 किलोमीटर। जी, मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि मेरी सहायिका जो वहाँ है, उन्होंने ये फासला है तय किया है अपनी गाड़ी में, इसलिए मैं जानता हूँ कि 6 किलोमीटर है। तो 6 किलोमीटर अगर है तो घर से स्टेडियम 6, स्टेडियम से घर 12, तो जिसका अर्थ है कि ये जो बाकी के 12 किलोमीटर यहाँ है, देखिए लॉग बुक में दर्ज है कितने किलोमीटर पे आपने गाड़ी ली और कितने किलोमीटर पे आपने गाड़ी छोड़ी, जैसा कि कंपनी की गाड़ी के साथ होता है। जिसका ये अर्थ होता है कि संभवतः आप अपने साहब को वहाँ स्टेडियम में कमेंट्री करता छोड़ उनके घर गए थे, वहाँ जाकर आप वापस आए स्टेडियम। उनके घर क्यों गए थे आप? हम घर गए थे लेकिन किसी बुरे इरादे से नहीं गए थे, हम तो पैसे मांगने गए थे। पैसे मांगने? कैसे पैसे? अगले महीने हमारी बेटी की शादी है, हमने केशव साहब से 50,000 रुपये एडवांस मांगे थे, जो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। मैडम बहुत नरम दिल हैं, तो हमने सोचा कि साहब को बगैर बताए हम मैडम से कर्जा मांग लेंगे। ये गड़बड़ कर दिया आपने दिनेश जी, अब आपकी बेटी की शादी हो नहीं पाएगी, क्योंकि साहब आपको पैसे दे नहीं रहे थे, आप मैडम से मांगने गए, मैडम ने आपको इनकार कर दिया, पैसे देने से मना कर दिया, आपने उनकी हत्या कर दी। हम मैडम को क्यों मारेंगे, वो तो हमारी अन्नदाता है। हाँ, लेकिन हमने देखा कि मैडम को किसने मारा। कौन था वो? हमने देखा मैडम की लाश पर कोई झुका हुआ था और हाथ में उसके कप था। हमने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और कैमरे से उसकी फोटो निकाली, ताकि हम पर बाद में कोई इल्जाम ना आए। साहब, फोटो खींच ली तो पुलिस को क्यों नहीं बताई आपने बात? डर गए साहब, हम तो सबूत देने ही वाले थे, लेकिन पुलिस ने हमारे सच बोलने से पहले ही सही काम कर दिया। ये देखिए, ये लीजिए। सर, अगर ये एक फुटबॉल मैच होता तो हम इसे सेल्फ गोल कहते हैं। दिनेश को यहाँ बुलाकर सर ने सोचा कि वो केस का तख्ता पलट देंगे, लेकिन हुआ कुछ उल्टा, यानी इनकी शुद्ध हिंदी में विपरीत। मैंने झूठ बोला था। अनफॉर्चुनेटली मेरे कान झूठ सुनने के लिए नहीं बने, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है इसी। मैंने तय कर लिया है कि आपका केस में नहीं। ओके, डैम इट, मैंने उस चाकू को पकड़ा था, लेकिन मारने के लिए नहीं, निकालने के लिए। रियली?
ऐसी मनगढ़ंत कहानियां मैं कई बार कई दोषी मुजरिमों से सुन चुका हूँ। लेकिन मैं सच कह रही हूँ, जैसे ही मैंने उस चाकू को देखा मैं पहचान गई उस चाकू को कि वो मेरा ही है, और उसी वक्त मैं समझ गई कि कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। देखिए सोनिका जी, कहानी तो आपकी अच्छी है, मैं मान भी गया, कोई जज इस कहानी को नहीं मानेगा। Really sorry, मैं आपका केस नहीं लड़ सकता। मिस्टर पाठक, मिस्टर पाठक कहाँ जा रहे हैं आप? मिस्टर पाठक प्लीज मेरी बात तो सुनिए, प्लीज मिस्टर पाठक, ट्रस्ट मी। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, कभी। इसमें तुम्हारी क्या गलती है? तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सब थैंक यू सर, एक्चुअली इन अ वे अच्छा ही हुआ। क्या? पहले हियरिंग में पता चल गया उस औरत का सच क्या है। एनीवे, देयर इज दिस न्यू केस मेहता इंडस्ट्रीज के ओनर के मर्डर को लेकर है। जरा फोटो देखो। पहला चित्र जो है वो दिनेश ड्राइवर ने लिया था 8:17:11 पर, और दूसरा चित्र 3 घंटे बाद पुलिस द्वारा लिया गया। What the difference? सब फर्नीचर हिला हुआ है, यहाँ की चीजें वहाँ, पेंटिंग भी रीअरेंज की हुई है। Very observant. I'm proud of you. तुम वाकई मेरी असिस्टेंट बनने के लायक हो। Thank you, sir. कि प्रश्न यहाँ ये उठता है धीरा, कि ये जो फर्नीचर यहाँ से वहाँ हिलाया गया और जो पेंटिंग एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया गया, क्यों? एक काम करो, इंस्पेक्टर राठौर को बोलो कि मैं क्राइम सीन इंस्पेक्ट करना चाहता हूँ। सर लेकिन हम ये केस छोड़ चुके हैं। हाँ छोड़ तो चुके हैं, लेकिन हो सकता है हमसे कुछ छूट गया हो, अगर छूट गया तो पकड़ लेंगे। वी शुड गिव इट अ शॉट। बस बस वहीं रख दीजिए, वहीं रख दीजिए, थैंक यू। हाँ उसको अंदर लीजिए थोड़ा। एडी बस 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 बस, हाँ क्या बोल रहे हैं? ये सब क्या है? ये सब सामान हिलाने से केस हिलने वाला नहीं है। हाँ संभवतः केस ना हिले, लेकिन वो पेंटिंग जरूर हिलने वाला है। आंवले का तेल है। जब जानवी की लाश मिली तब उसके सिर में भी आंवले का ही तेल था। तुम भी लगाया कर रहा था, दिमाग शांत रहे। एक बात समझ में नहीं है, ये तेल दीवार पे, वो भी पेंटिंग के पीछे, कैसे? क्या देख रहे हो? ये फर्श पर त्रिकोण के आकार में धब्बे। अदिति जी, आप लोगों ने मुझे बुलाया? हाँ कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहिए थे तुमसे। पूछिए। ये जो दुखद घटना घटी है तुम्हारे घर में, पूछना चाहता हूँ कि उस रात कहाँ थी? मैं उस रात अपने पनवेल वाले फार्म हाउस में थी अपने कुछ दोस्तों के साथ। और अंदर जो लैपटॉप रखा है ये तुम्हारा है? जी हाँ। जा, पासवर्ड टाइप करो, लॉगिन करो। तुम्हारे अलावा और कौन जानता है ये पासवर्ड? जी सिर्फ मैं जानती हूँ, पर आप क्यों पूछ रही हैं? बस ऐसे ही। अदिति कैन यू प्लीज कम आउटसाइड विद मी, ड्रॉइंग रूम में जो पेंटिंग लगी है उसके बारे में मुझे तुमसे कुछ पूछना है। ओके। अब इस लैपटॉप में तुम्हें क्या मिलेगा? किसी की जिंदगी का छिपा हुआ रहस्य या तो उसके मोबाइल फोन पर होता है या लैपटॉप पर।
ऑनर, इस केस में और क्या बात, दिनेश के फोन वाले तस्वीर से ये केस फुल एंड फाइनल। फोटोग्राफिक एविडेंसेस ऑफ द किलर बाय द ओनली विटनेस, आपका केस तो क्लीन बोल्ड हो गया। क्लीन बोल्ड किंतु परंतु नो बॉल पर, अर्थात नो डाउट, अर्थात गेम अभी भी बाकी है। कृपया बताइए मुझे कि मुझे ऑटोप्सी रिपोर्ट आई थी, क्या आपको स्मरण है कि उसमें टाइम ऑफ डेथ अर्थात मृत्यु का समय क्या था? 8 और 9 के बीच जानवी जी की मृत्यु का समय ऑटोप्सी रिपोर्ट पर, योर ऑनर। किंतु ये तस्वीर जो ड्राइवर दिनेश ने खींची वो रात के 9:30 बजे अर्थात जानवी जी के मृत्यु के आधे घंटे बाद। गुजराल साहब आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ, तो बहुत ही सरल गणित है। देखिए ऑटोप्सी रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु 8 और 9 बजे के बीच हुई, तो सीधी सी बात है कि हत्यारा जब हत्या करता है तो वहाँ से पलायन कर जाता है, फरार हो जाता है। तो क्यों मेरी मुवक्किल सोनिका वहाँ गई, हत्या की और आधे घंटे 45 मिनट तक वही पोज बनाकर हाथ में चाकू लेकर खड़ी रही? Why would she do that? तो फिर इस तस्वीर का सच क्या है? Your Honor, इस तस्वीर का सच ये है कि मेरी मुवक्किल सोनिका जी भी सच कह रही है, ये गई थी वहाँ, लेकिन जब ये वहाँ पहुंची तो जानवी जी की हत्या हो चुकी थी, हत्यारा वहाँ से फरार हो चुका था और ये वहाँ जाकर चाकू घोपने का नहीं, सर ये चाकू केस निकालने का प्रयास कर रही थी जब दिनेश जी ने इनकी तस्वीर ली। आप केस को गुमराह कर रहे हैं। गुमराह आप हो रहे हैं गुजराल साहब, केस तो अभी भी अपनी राह पर है। इट्स वेरी सिंपल, 8 और 9 बजे के बीच हत्या हुई, सोनिका जी वहाँ पहुंची रात के 9:30 बजे, जिसका ये अर्थ होता है कि 8 और 9 बजे के बीच कोई और व्यक्ति वहाँ था। और केवल 8 और 9 बजे के बीच नहीं, मेरा अनुमान है कि 8:17:11 आप वहाँ टाइमर लेके खड़े थे? टाइमर नहीं, लैपटॉप। ये वाला लैपटॉप, ये लैपटॉप योर ऑनर, जो जानवी जी की बेटी अदिति का है, जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, और ये पासवर्ड और किसी के पास नहीं। जो 8:19:11 लॉग ऑन हुआ था, जिसकी जांच पुलिस साइबर सेल ने की है योर ऑनर, ये रही उसकी रिपोर्ट। लेकिन मैं तो अपने पनवेर वाले फार्म हाउस पे थी, मैं वहाँ से कैसे अपना लैपटॉप लॉगिन कर सकती हूँ? सर तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक बेटी ने अपनी माँ की हत्या की? अरे नहीं नहीं गुजराल साहब, भगवान न करे कभी ऐसा हो। मैं तो केवल इतना कह रहा हूँ कि ये लैपटॉप जो अदिति का है, जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड था, इस लैपटॉप पर किसी ने लॉग ऑन किया है इस कंप्यूटर पे, और कुछ फाइलें डिलीट की थी गुजराल साहब, और कुछ तस्वीरें डिलीट की थी, लेकिन रिसाइकल बिन से उन्हें डिलीट करना भूल गया। देखना चाहिए ठीक है। तुम ही इन तस्वीरों के बारे में अदालत को कुछ बताओ प्लीज। सॉरी पापा, मैं ये नहीं करना चाहती थी, पर मैं क्या करूं? मैं और आयुष एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और इसलिए हम दोनों ने शादी कर ली। पापा मैं नहीं चाहती थी कि आयुष मुझसे बात तक करे या मिले भी, वो कहती थी कि वो मेरे लायक नहीं है, बस इसी बात का पता नहीं लगने देना चाहते थे हम दोनों, और कुछ नहीं। तो उस रात आयुष तुम्हारे साथ पनवेल में था? वो मेरे साथ नहीं था, पर आने वाला था, उसने कहा था कि उसकी शूटिंग है तो उसे देर हो जाएगी। एक मिनट, मेरे लैपटॉप का पासवर्ड आयुष को भी पता है? मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं वहां गया भी नहीं था सर। लेकिन ये जो सनग्लासेस तुमने डाले हुए हैं, वो सनग्लासेस तो यहाँ फर्श पर टेबल पर पड़े हुए हैं। मगर मैं तो वहाँ बगैर सनग्लासेस गया था। yeah.
सर, मैं एक्चुअली वहाँ पे अदिति की मॉम से मिलने गया था सर। सर उन्हें मेरे बारे में बहुत सी गलत फहमियाँ थी सर, और जब उन्हें हमारी ये सीक्रेट शादी के बारे में पता लगा सर, तो वो मेरी कंप्लेंट करने नेक्स्ट डे पुलिस के पास जाने वाली थी। आई मीन सर, मैं एक एक्टर हूँ, मेरा करियर सब बर्बाद हो जाता। सिर्फ इसीलिए उन्हें समझा के मनाने के लिए उनके घर गया था सर। मनाने बात करने कितने बजे गए थे? करीबन 8:15 बजे होंगे सर। जानवी जी, सर जानवी आंटी को देख के मेरे तो होश उड़ गए सर। सर मैं डर गया था क्योंकि अदिति के लैपटॉप में मेरी और अदिति का ओनली सबूत सर वो कुछ फोटोज थी सर। सर मैं डर गया था कि उन फोटोज तक पुलिस पहुंच जाएगी और मुझ तक कोई कनेक्शन ना निकाल ले सर, इसीलिए मैं जल्दी से उसके रूम में गया। मैंने लैपटॉप में लॉग ऑन किया सर और मैंने वो सारी फोटोज डिलीट कर दी सर, लेकिन मैं जल्दी में था सर। मैं जल्दी में था इसलिए मैं रिसाइकल बिन से डिलीट करना भूल गया सर। सर आई स्वेयर, मैं वो फर्श पे पड़े खून से बचने के लिए सर मैं हॉल के दूसरे साइड से गया। क्या कुछ देखा तुमने वहाँ? सर वहाँ पे एक सोफा था, एक चेयर और एक प्रोजेक्टर था सर। क्या क्या था? एक प्रोजेक्टर जी। मिस्टर बलहारा, मुझे तो आपके घर में कहीं प्रोजेक्टर दिखा नहीं है क्या आपके घर में सर? जी नहीं सर, I swear सर, definitely वहाँ पे एक ट्राइपॉड पर प्रोजेक्टर रखा हुआ था, मुझे लगा सर अदिति का होगा। ट्राइपॉड? जी। ये ट्राइपॉड गर्मी की वजह से इसके पैरों का रबर पिघल चुका है, यही हॉल में पड़ा था, लेकिन यहाँ पे प्रोजेक्टर नहीं है। हमें जो भी मिलेगा इसी कमरे में मिलेगा। ये क्या है सर? प्रोजेक्टर तो नहीं है। हाँ प्रोजेक्टर तो नहीं है, लेकिन राठौर कई लोगों को गलत फहमी हो सकती है कि ये प्रोजेक्टर है, और यही यंत्र है इस केस का रहस्य। लेकिन ये है क्या? Your Honor, ये इस केस का रहस्य है, किंतु इस रहस्य को खोलने के लिए मुझे कोर्ट में एक छोटा सा प्रदर्शन करना होगा, आपकी अनुमति हो? I object, Your Honor. Permission granted. Thank you. Silence. Your Honor, जब से ये केस आरंभ हुआ है संदेह की सुई कभी भी एक स्थान पर नहीं टिकी। सर्वप्रथम केशव जी की प्रेमिका सोनिका जी पर जा टिकी, तत्पश्चात ड्राइवर दिनेश जी पर, उसके बाद हमें ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं अदिति का हाथ होगा इस कांड में, किंतु सुई जाकर उनके पति आयुष पर जा टिकी। Your Honor, तब से लेकर अब तक दो बातें मेरे मस्तिष्क में अटकी हुई थी, सता रही थी मुझे। प्रथम ये कि उस घर के हॉल का फर्नीचर किसने हिलाया और क्यों, और द्वितीय उस हॉल के दीवार पर तेल का डब्बा जैसा कि इस दीवार पर है। तेल का डब्बा? अजी गुजराल साहब, आंवले के तेल का डब्बा। और मैं अदालत का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इस तथ्य पे कि उस रात जानवी जी ने अपने सर पे आंवले का तेल लगाया। Your Honor, इस विषय पर मैंने अपनी सहायिका को लेकर अनुसंधान किया तो पाया कि इतना बड़ा धब्बा तभी लग सकता है दीवार पर जब कोई व्यक्ति 6 घंटे तक स्वयं को दीवार के पास टिकाकर खड़ा हो। पाठक साहब, कोई भी इंसान दीवार से टिककर 6 घंटे कैसे खड़ा हो सकता है? Your Honor, प्रोसिक्यूटर साहब ने बहुत ही उचित प्रश्न किया है। खड़ा हो सकता है अगर व्यक्ति बेहोश हो और उसे खड़ा किया गया हो। साइलेंट। Your Honor, जब मैंने ये तेल का धब्बा वहां पाया तो मेरा ध्यान उस कक्ष के दूसरी ओर आकर्षित जहां मैंने ऐसे ही ट्राइपॉड के निशान फर्श पर पाए। ऐसा ट्राइपॉड जिस पर ये यंत्र लगा हुआ था Your Honor, जिसे आयुष ने गलती से भूल से प्रोजेक्टर समझ लिया।
लेकिन मिस्टर पाठक ये है क्या? योर ऑनर, वास्तव में ये प्रोजेक्टर नहीं, एक बॉलिंग मशीन है जिसके द्वारा ऐसे गेंद छोड़े जाते हैं। कुछ ऐसे योर ऑनर। लेकिन घर के अंदर बॉलिंग मशीन? यही तो अद्भुत खेल था योर ऑनर, मौत का वो खेल। सर्वप्रथम जानवी जी को ज़ेट्रोक्विनिन नामक एक दवा दी गई, उन्हें बेहोश किया गया। योर ऑनर, जांच करने पर ये दवा के अंश खून में से नहीं पाए जाते। बेहोश होने पर जानवी जी को दो कबड़ के सहारे सामने वाली दीवार पर खड़ा किया गया। उसके सामने ये मशीन लगाया गया, ये यंत्र जिससे गेंद निकलता है। किंतु योर ऑनर, उस रात इस यंत्र में गेंद नहीं, ये चाकू डाला गया। और फिर यही चाकू तीर की तरह निकला और सामने बेहोश खड़ी जानवी जी के शरीर में जाकर धस गया। साइलेंस, साइलेंस। योर ऑनर, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, उस कक्ष का सारा फर्नीचर हिलाया गया था और फर्नीचर की आड़ में योर ऑनर, इस यंत्र को ना दिनेश जी ने और ना ही सोनिका जी ने देखा। इतना बड़ा एलोबरेटेड प्लान कौन बना सकता है? उचित सवाल योर ऑनर। योर ऑनर, इस यंत्र का उपयोग हर कोई नहीं कर सकता, सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जिसने 20 साल अपने क्रिकेट का अभ्यास इस यंत्र के साथ किया। मिस्टर केशव बलहारा। आई एग्री, ये बॉलिंग मशीन मेरी है। एग्रीड की खून बहुत ही अनोखे तरीके से किया गया है। लेकिन मिस्टर पाठक, आप शायद एक बात भूल रहे हैं कि जिस वक्त हत्या हुई उस वक्त मैं वहां स्टेडियम में बैठकर कमेंट्री दे रहा था। सर सर, उसका सबूत एक नहीं, करोड़ों लोग। आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने वहां स्टेडियम में बैठे बैठे, यहां ये मेरा मतलब है घर पर, अपनी पत्नी जानवी की हत्या कर दी? ये कैसे हो सकता है? योर ऑनर, बस मैं यू गया और यू गया। जज साहब, ये कोर्ट की तोहीन है। द्वारा किया गया था वो टाइमर जो इस यंत्र पर लगाया हुआ है, जिसे केशव जी ने पहले से ही सेट करके रखा था। क्यों केशव? Am I right? मान लेते हैं कि टाइमर लगा हुआ था, लेकिन इससे ये कैसे साबित होता है कि ये सब मेरा किया धरा है? और एक बात, क्या आपके मुताबिक मिसेस जानवी बेहोश हो गई थी, तो बेहोशी के हालत में वो इन्हें फोन कॉल्स और मैसेजेस कैसे कर सकती? एग्जैक्टली। GPS सुना ही होगा आपने, ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट। योर ऑनर, मैंने इनके सेलफोन कंपनी को अर्जी दी तो वहां से इनके फोन की डिटेल्स पाए तो पता चला कि ये ही अपनी पत्नी के फोन से अपने आप को, स्वयं को संदेश भेज रहे थे, मैसेज भेज रहे थे, फोन कर रहे थे, और इनकी पत्नी का फोन इन्हीं की दूसरी जेब में था। GPS से पता लगता है केशव जी कि कौन सा फोन किस समय पर कौन से स्थान पर है, और आपकी पत्नी का फोन उसी स्थान पर था जहां पर आप थे, पहले स्टेडियम में, फिर घर जाते समय रास्ते पर। जी हाँ, मैंने जानवी को मारा है। थक
चुका था मैं दोनों औरतों के बीच में पिसते पिसते, ताने पिसने खर्चे ब्लैकमेल लड़ाई झगड़े, इट वॉज ड्राइविंग मी क्रेजी, आई वॉज डेस्परेट, निजात पाना चाहता था मैं सबसे। मैंने प्लान बनाया, एक तीर से दो शिकार, जानवी की हत्या और उसका सारा दोष सोनिका पे। मैंने ही सोनिका के घर से चाकू चुराया और फिर जानवी की हत्या का प्लान रचा। पहले जानवी को मैंने बेहोश किया, फिर उसे कबर्ड के सहारे दीवार पर टिका दिया और फिर बॉलिंग मशीन में चाकू डाल के टाइमर ऑन कर दिया। मैंने जानवी के फोन से मैसेज करके सोनिका को घर पे बुलाया था और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आप जानते हैं। अदिति, हो सके तो मुझे माफ कर देना। निर्देश महोदय से अपेक्षा मत रखिएगा। वैसे ये जो किया आपने, ये करके आपने स्वयं ही हिट विकेट कर लिया। द डिफेंस रेस्ट। तमाम सबूतों, गवाहों और मिस्टर पाठक की लाजवाब दलीलों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत मिस्टर केशव बलहारा को अपनी पत्नी जानवी बलहारा के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और सोनिका मल्होत्रा को कत्ल के इल्जाम से बाइज्जत भी करती है। द केस इज क्लोज्ड। गुजराल साहब, वेल प्लेड मिस्टर पाठक। थैंक यू। ये मैच तो हाथ से निकल गई लेकिन अगले मैच इतने आसान नहीं होंगे। थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।